कैसे लगे? तो सही बताओ। बड़ा आ गया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब आज हम यहाँ पे सेंट्रल टाउन गुजरांवाला में मौजूद हैं और यहाँ पे ये बड़ा खुला और बड़ा मज़े का बाज़ार है। तकरीबन दुनिया के सारे ही ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, नेशनल ब्रांड्स भी हैं, लोकल नॉन ब्रांडेड शॉप्स भी हैं, लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों का है। यहाँ पे बेतहाशा खाने पीने की ज़बरदस्त चीज़ें हैं। गुजरांवाला चूँकि पूरी दुनिया में मशहूर है खाने पीने के हवाले से, तो आज हम निकले थे जस्ट वैसे ही थोड़ा सा चक्कर लगाने, तो हमें भूख भी लगी हुई है। तो यहाँ पे इमरान गोलगप्पे का एक स्टॉल है, बड़ा कॉर्नर पे और मशहूर स्टॉल है, और इसके सामने बिल्कुल चाइना बेकर्स के सामने ये स्टॉल लगाते हैं। सजावल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करते हैं, और गोलगप्पे उनका जो स्टाइल है बनाने का वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। मीठी चटनी, हाँ ज़्यादा भाजी और लामी सही बताओ। बड़ा आ गया। ये क्रीम वाला भी उठाओ, इसका और दूसरे को फर्क बताना आपने। ऐसा काम मौका है नहीं, वैसे ही क्रीम वाला अच्छा है या दूसरा? क्रीम वाला मजेदार है। बहुत ही मज़ेदार है। ये आप देख रहे हैं क्रीम है इसमें। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम भाई, शुक्र अल्लाह का। यार आपके ना सेंट्रल टाउन में बड़े मशहूर हैं गोलगप्पे जी, वो कस्टमर की बात सुन ले पहले। तो
हमें बड़ा मज़ा आया यार खा के ना। एकदम भाई, तो इसमें क्या ऐसी खास बात है, क्या किस चीज़ का क्या रखते हैं आप? भाई पहला रखते हैं हम पानी का, खट्टा पानी का, उसके बाद आलू लोबिया चने उसके लिए होते हैं, ये के चाट का। कितनी पुरानी दुकान है यहाँ पे आपकी? सानू कम से कम भाई बड़े हो गए 9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए जी भाई। उसकी टाइमिंग की है? ए 3 बजे तो लाया गया, रात 1 बजे तक। रात 1 बजे तक जी। राशन है ना माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। सानू खट्टा बड़ा पसंद आया, और दूसरा है कि क्रीम वाले मेरा ख्याल है थोड़े नवी आइटम है शायद जी। चलो ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बात एक तो ये है कि हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किए हैं गोलगप्पे, और दूसरा गोलगप्पे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे और बड़े ही टेस्टी थे। तो वो क्या कहते हैं कि ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, तो खट्टे का मज़ा लेने के लिए आपको सेटल डाउन आना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह डिटेल्ड ब्लॉग्स जो है ना हमारे फूड ब्लॉग्स फ्यूचर में आएंगे, लेकिन अभी ये है कि हम बस गोलगप्पों को देख कर रह नहीं सके थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये छोटा सा जो फूड का एक्सपीरियंस है ये आपसे शेयर कर दें। इस टाइम पे हम सेटल डाउन में हैंग आउट कर रहे हैं, और जवाब साहब बाइक पे हैं और हम बड़े मज़े में हैं। अच्छा जी, मैं बहुत ज़्यादा रश वाला बाज़ार है ये। रश की एक वजह ये भी है कि जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स हैं उन सब पे सेल चल रही है, और सर्दियाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि पीक पे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्दियों का अरूज बस गुजर गया है। तो ब्रांड्स को आपको पता है कि बहुत कॉन्शियस होते हैं इन मामलों में, और उन्होंने जी बिल्कुल इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सेल लगा दी है। और ये वैसे भी रश आवर्स हैं, क्यों जो बात बिल्कुल सही, मतलब जनता जो है ना वो निकलती है इस टाइम पे, पब्लिक निकलती है सारी, और डेटा है।